आई होप यू आर डूइंग गुड आफ्टर कैट एग्जामिनेशन। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करा कि सर हमें एक जैड का स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डू यू क्रैक जैड एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट 30 डेज। देखो यार, वैसे देखा जाए तो 35-36 डेज हमारे पास बचे हैं, बट मैं एक 30 डेज पकड़ के चल रहा हूँ। नाउ बिफोर आई मूव इट, कुछ चीज़ों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल होगा कि यार सर, यू नो कैट वॉज कम्प्लीट डिजास्टर, यू नो वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कैट टू बी दैट टफ, और कैट इतना टफ आया। नंबर वन। नंबर टू, वट इज द गारंटी कि यू नो अभी हम जैट भी अच्छा खासा कर लेंगे, एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट गाइस? ऑलवेज रिमेंबर, कैट एक डिफरेंट लेवल है, जैट एक डिफरेंट लेवल है, ठीक है? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं दैट जैट एग्जामिनेशन इज एक्चुअली टफर दैन दी कैट एग्जामिनेशन, और कुछ हद तक मैं वो मानता भी हूँ। बट जब हम कहते हैं ना एक एग्जाम डिफिकल्ट है, उसके पीछे काफ़ी चीज़ें होती है जो भी हमें एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। सो व्हेन यू से दैट कैट एग्जाम और अदर जैट एग्जाम इज डिफिकल्ट दैन कैट एग्जाम, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन दैट एग्जामिनेशन टू गेट 99 इज वेरी मच लेसर दैन द कैट। पहली बात ये समझ लो, ठीक है? दूसरी बात, इसका पर्सपेक्टिव क्या है? बिकॉज कैट दो बच्चों के लिए है। कैट जो होता है वो कैट जैट जो होता है वो कैट के टॉपर्स भी देते हैं। सो आई नो सम स्टूडेंट्स हू स्कोर 99.30 इन कैट एग्जामिनेशन, एंड आई ऑल्सो नो द स्टूडेंट्स, द सेम स्टूडेंट स्कोर 99.8050 इन जैट। सो कैट में भी 99 और जैट में भी 99, ये एक क्राउड होता है। एक दूसरा स्टूडेंट का जो क्राउड होता है वो ये होता है कि जहाँ पे बच्चे 70-80-90% भी स्कोर कर लेते हैं अब जैट में, जिनका कैट में कम परसेंटाइल आया होता है। नाउ एक ओवरऑल एनालिसिस मेरा ये है कि अगर आपका कैट में 70-75 अगर आ जाता है तो जैट में आप 80-85 अचीव कर सकते हो। एक मुझे 8-10% का डेल्टा एक सीरियस बच्चों में ऑलवेज दिखा है। अगर आप अगले 30 डेज बकायदा बाइज़त सही ढंग से स्ट्रैटेजी लगा के अगर आप प्रेपरेशन करते हो तो। दूसरी बात ये भी जानना जरूरी है कि जैट एज एन एग्जामिनेशन, अगर मैं कैट पर बात करूँ कि कैट पर अगर मान लो 1/20 किलो अगर 90 पे मिलता है, जैट पे सेम 20 किलो आपको 80% पे मिलेगा। यू गेट माय पॉइंट? अब अगर मैं और थोड़ा आगे जाके आपको एनालिसिस दूं, आई एम अहमदाबाद विच इज द टॉप कॉलेज फ्रॉम कैट एग्जाम, यहां पे जैट में यू हैव अ टॉप कॉलेज विच इज कॉल्ड एज एक्सिलरा जमशेदपुर, राइट? सो आई एम अहमदाबाद का कट ऑफ इज राउंड अबाउट 99.99-99.80। यहां पे यू गेट अ कॉल फ्रॉम एक्सिलरा और यू कैन कन्वर्ट ऑल्सो एट 93-95% ऑल्सो, राइट? ये भी जानना जरूरी है। एंड मोर ओवर, एक्सिलरा इज नॉट समथिंग दैट गेट्स अ लॉट इन टू योर अकेडमिक्स, and that is the reason it is possible and doable to crack XLRI Jamshedpur and New Delhi also, fine? So ये एक ground level है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि हाँ यार, मैं apple to apple comparison करना चाहता हूँ, ना कि मैं cat और zat को comparison करना चाहता हूँ। Definitely cat, zat को तो मैं always कहता हूँ it is the mighty zat, because है इसका एक अपना रुतबा, एक अपना यू नो एक हवा है, there is no doubt about it. Now let's go ahead with the top colleges. So guys, we've got lot of colleges in zat. We've got starting from XLRI Jamshedpur, XLRI New Delhi, XIMB, IMT Ghaziabad, IMI Delhi, KJ Somaya, Wellinkar, GIM, BIM, 4 hai, LIBA hai. So you've got Great Lakes also, plethora of colleges are there, and these are all good ones. These are all good ones, right? So maan lo agar aapka ek had college miss ho gaya, let's say CAT se, aapko lagta hai ki mujhe CAT mein itna nahi aayega, you can still get that college by preparing very well for that examination. To wo bhi ek advantage hai eventually. एक एक्सपेक्टेड परसेंटाइल का बारे में बात करते हैं, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। ये चेंज होगा हर साल, राइट? बाकी बहुत वीडियोस आएंगे जैट में, तब डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पे एक बॉलपॉक नंबर देता हूँ, यहाँ पे एक आपको आइडिया देता हूँ। सो क्लोज टू, अगर आप देखोगे 25 का जो स्कोर है, जो मार्क्स है 25 का, उसके ऊपर एक 85% राउंड अबाउट 37-40 इज अ वेरी गुड नंबर फॉर जैट टू गेट 99th percentile. सो दिस हैज ऑलवेज बिन द हिस्ट्री मेरे ख्याल से, दैट 37-40-41 इज अ फैंटास्टिक नंबर टू गेट द 99th percentile. ओके, एंड देन यू गेट राउंड अबाउट 30-35, दैट्स द रेंज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टू गेट 95% एंड 29-30-31 इज बेसिकली फॉर योर 90th percentile. सो ये नंबर्स अचीवेबल है, ये नंबर्स डूएबल है, एंड आई हैव सीन सो मेनी किड्स नॉट डूइंग गुड इन कैट बट इवेंचुअली डू वेरी वेल इन दैट एग्जामिनेशन। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एक्सिलरा जमशेदपुर के दो कट ऑफ्स होते हैं, एक होता है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बीएम के लिए, और एक होता है एचआरएम के लिए। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट टू गिव यू गाइज अ लिटिल बिट आइडिया, बीएम का जो प्रोग्राम है ना, थोड़ा अंडररेटेड है, ठीक है? अब इसके रीजंस काफ़ी है। रीजन ये है कि बच्चों को पता नहीं है, या फिर लोग इसके बारे में बात करते नहीं है, बिकॉज एक्सिलरा जमशेदपुर हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर एचआरएम,
ओके तो हमें लगता है कि यार एक्सेलराइज से जाएंगे तो खाली हम एच आर ही करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बाय द वे डू यू नो दैट द बी एम पैकेजेस आर बेटर देन द एच आर एम पैकेजेस, एंड इफ यू आर गनिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देन दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू। बिकॉज बी एम में मैंने देखा है हर साल एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट होती है बिजनेस मैनेजमेंट से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले डोमेन में, राइट? सो यू शुड हैव दिस आइडिया कि हाँ एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट निकल के आ रहा है। अब अगर आप देखोगे ओवरऑल आपका जो कट ऑफ है मेल के लिए 95, फीमेल के लिए वो है 93 फॉर बीएम। इट्स अ कल्ट प्रोग्राम बाय द वे। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू एबीसी यू कैन एक्चुअली फाइंड आई मीन गेट दोज काइंड ऑफ प्रोफाइल्स इन एक्सेलराइज, राइट? सो एफएमएस भी आप बोल सकते हो। सो आई कैन टेल मी इट्स एबीसी एफएमएस एंड एक्सेलराइज, बट एक्सेलराइज इज डूइंग रियली रियली गुड। आगे जाके कपल ऑफ ईयर्स में दिस माइट टेक ओवर एफएमएस ऑल्सो। इनके स्टैटिस्टिक्स काफी बढ़िया है। आगे चलेंगे एचआरएम के लिए मेल कट ऑफ 93% है, फीमेल कट ऑफ 91% है। ये था आपका एक कट ऑफ का स्लाइड। अब हम बात करते हैं एक्चुअल गेम के बारे में, विच इज योर एग्जाम एंड द स्ट्रैटेजी। दो इसमें पार्ट्स होते हैं। पार्ट वन गाइज इज ऑफ 75 क्वेश्चंस, ओके, एंड पार्ट टू गाइज इज ऑफ 25 क्वेश्चंस। तो अगर आप देखोगे ये वाला आपका पार्ट वन है, नीचे आपके आता है ये जीके और एसे इज बेसिकली कंसिडर एज पार्ट टू। पहले एसे नहीं था, बाद में एसे इंट्रोड्यूस किया। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ लिखना होता है। एक बार ही इन्होंने काफी वियर्ड सी चीज पूछी थी जिंगोइज्म करके, एंड बच्चों के तोते उड़ गए थे उस टाइम पे। बट एनीवेज एसेज आर डूएबल। नाउ आई टेल यू द कूल थिंग अबाउट दिस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन जीके, एब्सोल्युटली। एंड जीके मेरे ख्याल से इज कंसिडर्ड ओनली बाय एक्सेलराइज जमशेदपुर, राइट? सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वर्बल डिसीजन मेकिंग, क्वांट एंड डीए। इसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता। दीज पीपल कॉल इट एज वी एल आर विच इज लाइक वर्बल एबिलिटी एंड लैंग्वेज रीजनिंग विच इज नथिंग बट क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है? आगे चलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर देखो, अगर आपका एक आध क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हो, मतलब 8 क्वेश्चन आप बिना अटेम्प्ट करे छोड़ सकते हो, 8 के ऊपर आपने जितने भी क्वेश्चन छोड़े बिना मार्क करे, उसमें आपका 0.1 नेगेटिव मार्किंग जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, इसका एक ओवरऑल इंपैक्ट काफी कम हो जाता है। बच्चे डर जाते हैं कि अरे यार क्वेश्चन छोड़ा तो भी यू नो दे गोना कट माई मार्क्स। बट गाइस व्हेन यू कंपाइल इट टुगेदर, नो व्हाटएवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गोना लीव मल्टीप्लाइड बाय 0.1, द नंबर इज गोना बी वेरी लेस, ठीक है? आगे चलेंगे। इसमें अगर आप देखोगे आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आपको भयंकर टाइम मिलता है, यू गेट एम्पल ऑफ टाइम टू सॉल्व दैट एग्जामिनेशन। दैट इज द रीजन यू माइट डू वेरी वेल, बिकॉज यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। यू गेट 165 मिनट्स and then there is 15 minutes. I think this has now become round about 165-15, right? Round about 180 per minutes ka examination. I will probably have to do the, I mean, probably have to check ki agar ye 165 ya fir 15 hi hai, ya isme kuch changes aaye hai, but you have ample of time to kind of, you know, solve this, theek hai? Aage chalenge. So this is the 3 hours ka examination. 3 ghante mein agar aap dekhoge score versus percentile ke bare mein agar hum baat karenge, so round about like 11-12 questions you have to do, rather thoda sa agar aap upar bhi attempt karoge to bhi aapka kaam ban jayega. Now agar main baat karu sectional cutoff ke bare mein, ye aur ek advantage hai Zaat mein ki aapka sectional cutoff kafi low level pe hota hai. To agar hum dekhenge, आपका डिसीजन मेकिंग सबसे हाईएस्ट होता है 11 मार्क्स आई एम टॉकिंग अबाउट, 11 मार्क्स डिसीजन मेकिंग में होते हैं। बट एक रेंज बताता हूँ, 10 से 11 डिसीजन मेकिंग में होता है। वी आर सी इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 7 to 9, एंड क्वांटम डी आपका वही रेंज होता है 7 to 9। सो गाइस अगर आप कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हो ना, और अगर आप सम करते हो कट ऑफ का, फिर भी आपको 90% आराम से आ जाएगा। सो अंडरस्टैंड दिस, द टाइम दैट इज गिवन टू यू विच इज लाइक राउंड अबाउट 160-165 मिनट्स, और मे बी 150-155 मिनट्स, व्हाटएवर, काफी है। लाइक पर क्वेश्चन यू आर गेटिंग मोर देन 2 मिनट्स, राइट? सो यहां पे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ये कैट वगैरह में होता है क्या? नहीं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं कहता हूं कि कैट और जैट थोड़े डिफरेंट है। अब बात करते हैं वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल एबिलिटी के बारे में, विच इज नथिंग बट वी आर सी। पकड़ लो नंबर वन, क्या ले डूबेगा आपका जैट? आर सी पक्का ले डूबेगा आपका जैट, ठीक है? जो बाकी की वीडियोज आएंगे उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा वी आर सी के बारे में। बट अंडरस्टैंड दिस, आरसी हेवी आते हैं। मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं देना चाहता हूँ, आरसी हेवी आते हैं। बट यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट आरसी, ज़्यादा बच्चे आरसी कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज इसका लेवल काफ़ी हाई लेवल पे होता है। सो नाउ इफ यू आर अ C2C मेंटर का स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर द रूल्स दैट वी डिड एट द टाइम ऑफ कैट एग्जामिनेशन? वो रूल यहाँ पे 1000% स्पॉट ऑन बैठते हैं, ठीक है? सो यू आर सॉर्टेड यहाँ पे, राइट? दोज हु आर नॉट नोइंग दोज रूल्स कैन प्रॉब्ली ट्राई आउट, और इफ यू वांट टू ज्वाइन माय वर्कशॉप और यू नो बैच वगैरह ज्वाइन करना है कर सकते हो। बट गाइस आरसी में आपका ज्यादा स्कोर नहीं बनेगा, वैसे भी 7-8 का आपका स्कोर है टू क्लियर द वर्बल का कट ऑफ, आप वो यहां से निकाल सकते हो। कहां से?
यहाँ से पैराजिबल, क्रिटिकल रीजनिंग, वोकैबलरी, ग्रामर एंड रीजनिंग बेस्ड स्टेटमेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा डोएबल होता है. यू नो आई एम सरप्राइज दैट वाई स्टूडेंट्स आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस. रादर अगर आपको जेन्युइनली सैट निकलना है, 90 प्लस क्रॉस करना है, यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस. पैराजिम्बल में ऑप्शन आते हैं यार, और क्या चाहिए आपको. नाउ इमेजिन इफ यू आर माई स्टूडेंट, इफ यू लर्न वर्बल एबिलिटी फ्रॉम मी, देन यू नो दीज आर लाइक केक वॉक. बिकॉज कैट में तो टीटा आता है, यहाँ पे पैराजिम्बल ऑप्शन के साथ आते हैं, काफ़ी डोएबल. पैराजिम्बल डोएबल होता है, क्रिटिकल रीजनिंग डोएबल होता है, विद ऑल द रूल्स दैट आई एम गोना टीच यू गाइस इवेंचुअली, राइट. इसमें एक चीज मैं कहता हूँ, आरसी में ये नहीं कहूँगा कि आपका एक भी आरसी नहीं होगा, 1000 आरसी आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है. बट वो निकालते निकालते जान में जान नहीं रहने वाली, बिकॉज इट्स ऑन अ हाई लेवल. एंड देर आर सर्टेन यू नो पीपल, इवन दे आर लाइक रियली रियली गुड विद आरसी, दे विल डू राउंड अबाउट लाइक 2 आरसी, नथिंग मोर देन दैट. दिस वन पार्ट. पोएम्स, बाय द वे, पोएम मैं ऑलवेज कहता हूँ छोड़ोगे तो बेटर होगा. इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें इतना दिमाग डालने का जरूरत नहीं है. एंड देयर आर लॉट ऑफ किड्स, दे आर लाइक फ्रिकिंग आउट अबाउट यू नो पोएम की नहीं, आई वांट टू डू द पोएम. बट पोएम ना एक्चुअली लेट उठता है, बिकॉज पोएम काफी टफ होता है टू इंटरप्रेट. सो मैं कहता हूं कि उसको साइड में रखो. आप ये करके भी आराम से 10 का स्कोर आराम से लेके आ सकते हो. तो जहां तक आपका वीआरसी का सवाल है, 30 दिन में है आपके पास, ऑलरेडी आपने आरसी करा है, राइट. पैराजिम्बल, क्रिटिकल रीजनिंग आप आराम से इसको कर सकते हो. सो वीआरसी इज ऑल्सो डुएबल एज फार एज जैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न. बट ऑल्सो रिमेंबर, यहाँ पे वो सब फंडे, सब स्ट्रैटेजीज काब माने वाले हैं. विच वन? सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन. कैसे करेंगे? लेवल ऑफ डिफिकल्टी. जो जो बच्चों का कैट सही नहीं गया, गाइज 2 चीजें आई वॉन्ट फ्रॉम यू. नंबर 1, टेक केयर ऑफ योर ईक्यू. पैनिक अटैक होना ही नहीं चाहिए. ये पकड़ लो कि भाई प्रॉमिस करो खुद को, रादर यू प्रॉमिस मी कि सर इसके बाद पैनिक अटैक होगा ही नहीं, उतनी प्रिपरेशन जान लगा के हम करने वाले हैं. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, ऑल द स्ट्रैटेजीज आर गोना वर्क स्मूथली ओवर हियर. क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की इन जैट. रादर क्वेश्चन सिलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट इन जैट दैन द कैट. ओके, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो भी देखना है. ट्रेड ऑफ स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है. एक्यूरेसी वो तो ऑलवेज चलेगा, ये चीज़ें आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है. सो अगर आपको लगता है कि सर ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं है, और कैट में हमने देखा है कि क्वेश्चन सिलेक्शन गलत जाने की वजह से कैट कैसे हमारा खराब हुआ, गाइज मोस्ट वेलकम टू जॉइन सीटीसी मेंटर्स. वी ऑलरेडी हैव अ जैट प्रोग्राम विच इज रनिंग, एंड गाइज वर्बल विल बी टॉट टू यू बाय मी एंड देन बाय मनोहर सर. You know he's damn good, and then you will also have EST ma'am to teach you, because even EST has scored multiple times 99.50 in ZAT overall and ZAT ka verbal also. So you've got 3 best faculties to teach you verbal. So don't worry about that. आगे चलेंगे. Quants and EI थोड़ा होता है, ये manageable, but ये भी अपनी level पे आता है. Again AAG arithmetic algebra geometry dominated. इसमें एक चीज मुझे काफी अच्छी लगती है ZAT की, अगर देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोगों के लिए. जैट ना बड़ी प्यारी एग्जाम है. व्हेन इट कम्स टू क्वांट्स, दे आर सच यू नो कंसेप्ट ड्रिवन पीपल दैट दे विल नॉट बी आस्किंग यू मोर ऑन टू द एप्लीकेशन, बट कंसेप्ट. तू क्वेश्चन देख, बैठ, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर, फिर तेरा आंसर निकलेगा. और बाय द वे इसमें टीटा वगैरह कुछ भी नहीं आता है जैसे कैट में आता है. सो कंसेप्चुअल होल्ड अगर आपका है तो आप ये कर सकते हो. अरिथमेटिक में वही चीज़ है भाई मेरे, टाइम शिफ्ट डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ICICI हो गया. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. वी विल बी डूइंग दोज विथ यू रैदर. अगर आपके पास जैट का डैशबोर्ड है ऑलरेडी, जो पुराने जो लेक्चर्स है वो आपके डैशबोर्ड में एडेड है, वहाँ से आप कर सकते हो. कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम ऐड करने वाले हैं, बट दिस इज डुएबल. वेन एवर यू फील कि दिस इज टफ, जस्ट अंडरस्टैंड मुझे करना कितना है. वॉट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू क्रैक जैट? Now the number of questions are going to be pretty less. Yes, I understand. Those who have written that last year, you will say that, sir, quants karte karte to pasine chhut gaye. Dekh beta, inka LOD na kafi high level hota hai, no doubt about it. But agar aap dekhoge number of questions jo solve karne hai, 7-8 question, wo to always doable hote hai. There is no doubt about it. Provided aap panic na hove exam mein. Aage chalenge, they love progression and series. They love it. Every year you will see questions coming up from this thing. Modern maths, again, doable level. Set theory, already aapko padhaya hai. So guys, nothing new answers. Number system ka jo hai, wo numbers today kam ho rahe hai. The number system agar aapne kara hai, basic level pe chalega, wo better hoga. DI ke 2 set aate hai, 3 questions hote hai, isme DI ke 6 question aate hai. Ye bhi achche khase doable hote hai, rather ye heavy hote hai. But agar aap thoda sa mehnat karoge, to DI bhi aap kar sakte ho. Depending yaar ki aapko kya करना सही लगता है. कुछ बच्चे क्वांट्स में फोड़ देते हैं, कुछ बच्चे डीआई में फोड़ते हैं, बट आई टेल यू, एक डीआई का सेट आपका यहां पे डुएबल होगा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट. सो इवेंचुअली अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजी के लिए, यार सेम चीजें अप्लाई करनी है. बट यस, यू नो नाउ नीड टू स्टार्ट गोइंग बैक टू द प्रीवियस पेपर एंड चेक द एलओडी एंड डू द क्वेश्चन सिलेक्शन. फाइन,
डिसीजन मेकिंग, समथिंग विच इज़ रियल यूनिक एंड माई फेवरेट एंड आई लव दिस एंटायर सेगमेंट रादर दिस सेक्शन. डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज स्कोरिंग. आपको पता है जो बच्चे वर्बल में और क्वांडीआई में 90-90 परसेंटाइल लाते हैं, जैट में वो डिसीजन मेकिंग में 99++ लाते हैं. ये एक सेक्शन ऐसा है जो आपका पूरा जैट का पिक्चर चेंज कर देगा. इसमें केस स्टडीज आती है, एथिकल डिलेमा, एचआर बेस्ड डिलेमा. वहाँ पे कहा जाता है कि मान लो कि नो एक बंदा है, उसके घर पे मॉम या डैड उसके बीमार है, वो क्लाइंट के साथ काम करता है और क्लाइंट को एक डिलीवर उसको करना है प्रोजेक्ट, उसके डिलीवरेबल्स है, उसका टर्न अराउंड टाइम है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो उसने क्या करना चाहिए, घर पे जाना चाहिए मॉम डैड के लिए, या फिर इन्हों बॉस से बात करनी चाहिए, या फिर उसने क्लाइंट को बताना चाहिए? केस बेस्ड होता है. ये सबसे ईजीएस्ट सेक्शन है जैट एग्जामिनेशन का और ये सबसे स्कोरिंग है. ये एक सेक्शन ऐसा है इसमें आप 99+ लेके चलो, बाकियों में आप थोड़ा बकायदा बाय एग्जाम ठीक ठाक करो, मे बी 85-90 परसेंटाइल करो, तो मेरा ओवरऑल 93-95 शूट करेगा आराम से. दिस इज समथिंग विल बी टॉट टू यू बाय मी एक्सक्लूसिवली. सो डिसीजन मेकिंग मैं करूंगा एंड देर इज अनदर मैम हु विल बी टीचिंग यू, हर नेम इज अनुष्का. शी ऑल्सो स्कोर्ड राउंड अबाउट 99.50 इन दैट एग्जामिनेशन. सो वी विल बी कवरिंग दीज एंटायर थिंग्स, राइट? सो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो डुएबल. इसमें थोड़े शॉर्टकट्स, नॉट एग्जैक्टली शॉर्टकट्स, बड़ा इसमें वो ट्रिक्स जानना काफी जरूरी है, बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इसको सॉल्व कैसे करें. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो अगर आप मेरे फुल टाइम बैच वाले बच्चे हो या फिर अगर आप एक्सेलेटर वाले हो, मास्टर वाले हो, गाइस वी विल बी स्टार्टिंग डिसीजन मेकिंग फ्रॉम राउंड अबाउट 5th या 6th ऑफ द डिसंबर. ओके, आगे चलेंगे. यू हैव जीके. जीके में वही GCPT चीजें आती है जो आपके डैशबोर्ड पे है. इवन वीडियोज विल बी गेटिंग एडेड टू द डैशबोर्ड, जहाँ पे अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है वो शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बताया गया है. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे आपके पास 30 डेज है, योर प्राइम फोकस शुड बी ऑन वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उसके बाद यू शुड बी फोकसिंग ऑन डिसीजन मेकिंग, दैट्स द स्कोरिंग पार्ट. उसके बाद क्वांट्स एंड देन कम्स जीके. ऐसे की प्रैक्टिस भी हम करवा लेंगे, उसका लोड मत लेना. सो गाइस वी हैव अ जैट का क्रैश कोर्स, इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन जॉइन अस. ये हाइब्रिड प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं, अनुष्का मैम, मनोहर सर, शांकी सर, यश्री मैम, इवन साक्षी मैम फॉर दैट मैटर, देर आर सिक्स फैकल्टीज, ऑल गुड फैकल्टीज टीचिंग यू, राइट? ऑल आई एम अहमदाबाद, यू नो बैंगलोर, FMS, NMIMS, राइट? ऑल दिस फोक्स आर गोना बी टीचिंग यू, राइट? सो आपकी टीचिंग अच्छी होने वाली है, कंटेंट आपको काफी अच्छा मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट. कुछ सेक्शन हम रिकॉर्डेड डालेंगे आपके लिए, ठीक है? पुराने 10 साल के जो पेपर्स है वी विल बी हेल्पिंग यू टू सॉल्व देम. अगेन 9000 क्वेश्चंस का आपको स्कोर बूस्टर मिलेगा, 100+ आवर्स का पूरा कंटेंट है, ये उससे ज्यादा ही जाएगा, बिकॉज जब लाइव लेक्चर्स ऐड होंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ ये ज्यादा ऐड होगा, राइट? यहाँ पे हम आपको बेसिक, एडवांस एंड चैलेंजर तीनों लेवल का आपको एक्सेस देने वाले हैं आपके डैशबोर्ड में, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. चैलेंजर करना इंपॉर्टेंट है, राइट? 5 जैट फुल लेंथ मॉक्स है, टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक्स गिवन टू यू. दिस प्रोग्राम इज एक्सक्लूसिवली फॉर जैट. वी विल बी टीचिंग यू ओनली एंड ओनली जैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, नथिंग बिलो दैट, यू नो, एक्सक्लूसिवली फॉर जैट, राइट? रादर टू वर्स लेक्चर टिल 30 December. आपकी जो एग्जाम है वो 8 January को है, तो एग्जाम के 2-3 पहले तक दिन तक आपके लेक्चर्स चलने वाले हैं, ठीक है? मनोहर सर, यष्टी मैम, साक्षी मैम, अनुष्का मैम, मी, वी ऑल विल बी मेंटरिंग यू. जो भी है आपको रियलिस्टिक चीज़ें बताई जाएगी, कोई फेक मोटिवेशन है होता नहीं है, आपको पता है C2C में. आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि सर डेफिनेटली वी विल वर्क रैस ऑफ, वी विल स्लॉग इट आउट फॉर जैट एग्जामिनेशन. एंड गाइज दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो निग्लेक्टेड बाई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार जैट तो मुझसे होगा ही नहीं, बिकॉज काफी टफ एग्जाम है, और जो टफ एग्जाम का जो फंडा है ना उसके चलते काफी बच्चे जैट देते नहीं है. सो गाइज दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, अनदर चांस फॉर यू टू मेक इट टू द बेस्ट बी स्कूल, टॉप 5 बी स्कूल इन द कंट्री एग्जिट आ रहा है. बी स्कूल दैट इज बेटर देन अदर नॉन IIMs और न्यू एंड द बेबी IIMs इज एक्सलरा न्यू दिल्ली, 27 lakh की एवरेज पैकेज है. You've got XIMB, you've got IIMD Ghaziabad, you've got IIMI Delhi, you've got GIM, you've got so many B schools out there that are doing phenomenally good. GIM का वीडियो आपने देखा होगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है उसकी 50 lakh, हाँ, और फाइनेंस में BFS प्रोग्राम है उसकी हाईएस्ट गई 27 lakh, राइट? सो दे आर डूइंग फिनॉमिनली गुड. सो गाइस हियर इज द चांस फॉर दैट, डोंट वरी, एग्जाम डुएबल है, दिमाग शांत रख के करोगे, कैट को भूल जाओ, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, फोड़ सकते हो. मोस्टली 10% तो आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं अगर बकायदा भाई इज्जत अच्छे से प्रिपेयर करोगे. गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. वीडियो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, जाते जाते एक लाइक करना एंड कमेंट डालना, ठीक है? दैट्स इट गाइस, थैंक यू, बाय बाय.